एक्चुअल परफॉर्मेंस होते हैं इसके दो टाइप्स हैं, और एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को दूसरा नाम होता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब एसेंशियल कंडीशंस देखो, अनकंडीशनल होना चाहिए, नेक्स्ट इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे, अ पर्सन टू होम द टेंडर इज मेड, मतलब टेंडर का मतलब यहाँ पे ऑफर से है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि जब सामने वाला परफॉर्म करने के लिए रेडी है और वो उसको ऑफर कर रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है टेंडर। इसलिए इट मस्ट बी मेड गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखो, टेंडर यहाँ पे मतलब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हम जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रोमिसर है, जो उसने ऑफर किया था, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जब वो बोल रहा है फर्स्ट पार्टी, तो वो पूरा काम करने के लिए रेडी हो, ना कि सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट। नेक्स्ट देखो, द टेंडर मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म, टेंडर ऑफ मनी इन क्या करेंट कॉइन्स, ये आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो, द टेंडर मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन, मतलब ऑफर हमको एक प्रॉपर पर्सन को ही करना है। टेंडर जो ऑफर हो रहा है, ऑफर फॉर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैंने दो टाइप्स के बताए थे, एक गुड्स का एक मनी का। तो जब हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को कोई परफॉर्मेंस, जब हम ऑफर कर रहे हैं और वो जो हम ऑफर कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, तो उसका क्वांटिटी और क्वालिटी एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए जितना आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको मेंशन किया है। नेक्स्ट देखो, अ टेंडर मे बी मेड ऑफ द वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों उस कॉन्ट्रैक्ट में, जब उस कॉन्ट्रैक्ट में जब दो या दो से ज्यादा लोग हैं, हैज द सेम लीगल कंसिक्वेंसेज एज अ टेंडर टू ऑल ऑफ देम, तो उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी वो सबकी होगी, किसी एक की नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, दो पार्टी हैं, एक ऑफर कर रही है और सेकेंड पार्टी क्या कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब वो रिफ्यूज कर रही है एक्सेप्ट करने से। जो सामने वाला ऑफर कर रहा है फर्स्ट पार्टी, देखो मैंने कल भी बताया था, दो पार्टियां, एक ऑफरर एक एक्सेप्टर, तो ऑफर जो है वो परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑफर कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसका एक और वर्ड लेते हैं हम, नाम ले रहे हैं यहाँ पे टेंडर। अब सेकंड देखो, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसका क्या मतलब होगा, देखो अब उसको क्या इफेक्ट्स होंगे। Where a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, और जो offer है वो अभी accept नहीं किया है, तो जो promiser है यानी first party जो offer कर रहा है वो बिल्कुल भी responsible नहीं होगा अब non performance के लिए, क्योंकि उसने अपना काम complete किया यहाँ से offer करके। Nor does he thereby loses his right under the contract, और उस contract में उसके जितने भी rights हैं वो भी कहीं लॉस नहीं होंगे, वो उसके पास एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू नोवेशन, मतलब कुछ उसमें न्यू करना, रेसिशन, रेसिशन क्या होता है, मैंने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बताया था, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन की मीनिंग क्या होती है, कैंसिल करना, कैंसिल करना। नेक्स्ट देखो, ऑल्ट्रेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना, तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ किया है, इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू नोवेशन रेसिशन और ऑल्ट्रेशन, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। सेकंड, द प्रोमिसी मे डिस्पेंस विथ और रेमिट परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर इन होल और इन पार्ट, तो जो प्रॉमिसी है वो क्या करती है, सामने वाले को रिलैक्स कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करने के लिए, या तो पूरा का पूरा, होल और इन पार्ट, मतलब कुछ पार्ट में 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी, या फिर वो टाइम एक्सेप्ट कर लें, तो जो भी उनको ठीक लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज रेसिंड, द अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल होते हैं तो वॉइडेबल की मीनिंग क्या होती है बताओ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट वन का टॉपिक है, चैप्टर वन। मैम जो लीगली इनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहता वो रहता है वॉइडेबल। अच्छा मुझे लगा था कि जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होता है वो वॉइडेबल होता है, और जो लीगली इनफोर्सिएबल होता है ना वो वॉइड होता है। आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ जो मुंह में आता है ना छोड़ो क्या ही बोलो। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। वॉइडेबल देखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, और एक होता है वॉइड। वॉइडेबल का मतलब होता है जिसमें दोनों में से कोई भी एक पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होता है, नो फ्री कंसेंट। ठीक है, तो फ्री कंसेंट मतलब फ्रीली, मतलब हाँ नहीं बोलना है, कोई जबरदस्ती कर रहा है या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फ्रॉड हो रहा है या मिस्टेक से हो रहा है, तो फ्री कंसेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है वो होता है वॉइडेबल। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। इन्फोर्सिबल का मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट, मतलब लॉ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस है, कुछ लोग हैं जो अभी अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो when a voidable contract is rescinded, the other party need not perform its promise. देखो जब voidable contract होता है तो already सामने वाली जो party होती है उसके पास option होता है कि वो contract perform नहीं करे। तो जब पता है कि voidable है तो perform करने की जरूरत ही नहीं होती है। Next देखो, when the failure of performance has been caused by the promisee neglect or refusal, the promisor will be executed. जब परफॉर्मेंस का फेलियर वो प्रॉमिसी के नेग्लेक्ट की वजह से हो रहा है। अब इसमें एक चीज और देखो, जो फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस है वो प्रॉमिसी के फेलियर की वजह से हो रहा है। देखो एक कंडीशन क्या होती है, एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी। जिसको नहीं पता है लिख लो कहीं पे, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो जो प्रॉमिसर होता है वो ऑफर करता है और जो प्रॉमिसी होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। याद रखना, प्रॉमिसर ऑफर करता है और प्रॉमिसी एक्सेप्ट करता है। किसी को डाउट है इतने तक मीनिंग में जो बोला मैंने अभी? नो मैम। ठीक है, तो देखो जो प्रॉमिसी है वो क्या करता है, हमेशा एक्सेप्ट। तो जो फेलियर हो रहा है परफॉर्मेंस का, अगर वो प्रॉमिसी के नेग्लेक्ट की वजह से हो रहा है या उसके रिफ्यूजल की वजह से हो रहा है, द प्रोमिसर विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें अब प्रोमिसर की कोई गलती नहीं होगी। कोई डाउट है किसी को यहां तक? No, ma'am. अब एक बात बताओ मेरे को, अब who can demand performance? एक लाइन लिखो, who can demand performance? कौन कौन परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है? थोड़ा सा मतलब उसको लॉजिक लगाओ। Who can demand performance? लिखा सबने टॉपिक? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कौन कर सकता है। पहला देखो प्रॉमिसी, मैंने बताया है ना अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, इसीलिए बताया था कि आप शायद उसको समझ पाओ।
हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, एक कौन कर सकता है परफॉर्मेंस डिमांड बताओ, एक प्रोमिसर और दूसरा, नहीं प्रोमिसर तो ऑफर करता है काम करने को, तो कौन कर सकता है नेक्स्ट, प्रोमिसी, प्रोमिसी डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस बताओ, यस मैम, नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी का डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताओ, किसी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस, यस मैम, और थर्ड पार्टी लिखो, थर्ड पार्टी क्या होता है, जब एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो सपोज एक पार्टी मना कर रहा है लेकिन दूसरी पार्टी तो बिल्कुल मना नहीं कर सकती है, वो तो बोल सकती है कि मेरे को तो परफॉर्मेंस चाहिए, तो जब अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो तो डिमांड कर सकती है परफॉर्मेंस बताओ, कर सकती है, yes, बोलो एकता हनी कर सकती है थर्ड पार्टी, यस मैम, यस मैम कर सकती है, ठीक है, तो बाय होम द कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट मस्ट बी परफॉर्म में पहला था बाय द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर खुद से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, ये उसका प्राइमरी ड्यूटी है फर्स्ट, फिर मैंने क्या बताया नेक्स्ट आपको बाय द एजेंट, एजेंट में क्या होगा आपके जो एजेंट है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइक डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके एजेंट परफॉर्म कर सकते हैं, थर्ड है बाय द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर प्रोमिसर की डेथ होती है तो उसके बिहाफ पे जो लीगल हायर है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है परफॉर्म कर सकता है, और लास्ट है बाय थर्ड पर्सन, जब आप अपने जगह पे किसी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को या इस परफॉर्मेंस को क्या करेगा परफॉर्म करेगा, तो ये था आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो टाइम एंड प्लेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, इसको याद रखना टाइम एंड प्लेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, देखो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट देखो ये तो पार्टीज के ऊपर होती है कॉन्ट्रैक्ट में कि वो डिसाइड करें टाइम एंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where no application is to be made and no time is specified. जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपका टाइम मेंशन नहीं है, याद रखना ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने टाइम मेंशन नहीं किया और जो प्रोमिसर है उसको खुद से ही आगे आके अपना क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, देखो इसमें लिखा है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने का टाइम क्या होगा, देखो आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम टेंडर, और उसमें बोलता है कि जो सेकेंड पार्टी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है परफॉर्मेंस, रीजन क्या हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है परफॉर्मेंस, रीजन एक ये भी हो सकता है ना कि उसने टाइम पे परफॉर्म नहीं किया हो, कुछ आ रहा है समझ में, बताओ कहीं पे अटके तो तुरंत पूछो, बस एक बाकी किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो तुरंत पूछो, सबको क्लियर है, देखो
तो जब ऐसी सिचुएशन में जो प्रोमिसर है उसको अब खुद से आगे इनिशिएटिव लेना है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट को जो परफॉर्म कर रहा है उसको वो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, हर क्वेश्चन का या हर सिचुएशन का रीजनेबल टाइम अलग अलग होता है। तो रीजनेबल टाइम इन द सेंस आपको खुद से दिमाग लगाना चाहिए, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात है तो हमको उसको 3 to 4 days में कर देना चाहिए, या कोई ऐसा गुड्स है जिसका एक्सपायर हो जाता है या वो खराब हो जाता है तो उसको और जल्दी करना। तो ये होता है जिसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक रीजनेबल टाइम में करना है। और सेकेंड कंडीशन देखो क्या लिखा है, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे टाइम तो स्पेसिफाइड है बट कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे रिक्वेस्ट से है, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब रिक्वेस्ट से हो रहा है। देखो इसमें when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without the request by the promisee, देखो अब क्या है, टाइम तो डिसाइडेड है लेकिन अभी तक रिक्वेस्ट की नहीं गई है, किसके थ्रू, प्रोमिसी के थ्रू। तो जो प्रोमिसर है वो क्या करेगा, उस बिजनेस को परफॉर्म करेगा ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। सपोज एक 9 to 5 का जॉब होता है तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो आप उस पर्टिकुलर डे में 9 to 5 के बीच में कभी भी करेंगे, क्योंकि आपको जो टाइम है या एप्लीकेशन है या रिक्वेस्ट अभी प्रोमिसी ने बताई नहीं थी, तो आप खुद का इनिशिएटिव लेके करेंगे उसको। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, इसमें सब कुछ मेंशन रहता है। व्हेन अ प्रॉमिसी इज टू बी परफॉर्मड ऑन अ सर्टेन डे द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन, तो इसमें ड्यूटी होती है प्रोमिसी की कि वो अप्लाई करेगा एट प्रॉपर प्लेस विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। इन तीनों सिचुएशन में किसी को डाउट है? बताओ। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस इसको लॉ में ला करके ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और कुछ नहीं है इसमें। बताओ किसी को डाउट है कोई? नो मैम। देखो है बहुत सिंपल, बट ये जो वर्ड्स और ये जो लैंग्वेज यूज किया ना, जैसे यहाँ पे टाइम का मतलब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये एप्लीकेशन इज टू बी मेड, ये किसकी बात हो रही है, जिसको हमको प्रोमिसी की, और ये जो टाइम फॉर परफॉर्मेंस है ये बात हो रही है प्रोमिसर की। इसमें लिखा है कि प्रोमिसर को टाइम पे परफॉर्म करना है, लेकिन अभी तक जो प्रोमिसी है उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है उसको काम करने की। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि टाइम और प्लेस तो पता है, प्रोमिस को परफॉर्म कहाँ करना है, लेकिन टाइम भी स्पेसिफाई किया है, लेकिन अभी तक प्रोमिसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट किसी प्रोमिसी के लिए। अब इसमें देखो, इसमें टाइम और प्लेस सब कुछ पता है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या लिखा है, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस में क्या है, कोई एप्लीकेशन नहीं की गई है और कोई फिक्स प्लेस नहीं है। तो जब प्रॉमिस को परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी और कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है, तो ये ड्यूटी होती है प्रोमिसर की कि प्रोमिसर खुद क्या एक्टिव इनिशिएटिव ले और एक अपॉइंटमेंट ले उससे कि वो कब उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहता है। बस घुमा घुमा के वही चीजें दी हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सेंक्शंस। इसके अलावा दिया है कि प्रोमिसी को जब जो जैसा ठीक लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसके क्या टाइम को वो कर सकते हैं। देखो तीन कंडीशंस होती हैं, जब टाइम एसेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, टाइम इज नॉट एसेंस, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम, टाइम पे करना या टाइम पे नहीं करना। बस आपको इतना ही पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब आपके पार्ट का नहीं है। किसी को डाउट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो पूछो, शुरू से लेकर एंड तक कहीं पे भी। इसमें एक चीज देखो ये ऐड करना आप लोग, लिख रही हूँ मैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ये शायद मैंने बताया था। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की नीड नहीं होती है. फर्स्ट देखो, ये बस आप लोग एक्स्ट्रा ऐड करना, जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो. ठीक, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल. नेक्स्ट देखो, जब कंसर्न पार्टीज जब एग्री करती हैं और वो लोग उसके बदले में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट parties agree to substitute. A new contract. Next देखो, यहाँ जब promisee उसको release कर देता है, promisee releases. ठीक, next condition होती है fourth. जब voidable होता है contract, voidable हो. next condition क्या होगी इसमें, जब promisee neglect करे या refuse करे. promisee neglects और refuse. और एक sixth होगा इसमें, जब वो illegal है. तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, इलीगल. क्लियर है यहां तक? यस मैम. तो ये था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कल अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. देखो यूनिट टू के जैसे गारंटी वाला टॉपिक था, इंडेमनिटी, एजेंसी, और क्या किया था इसमें हमने, बेलमेंट और प्लेज. तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं. ठीक, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपन कल, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो रिवाइज करो जो भी अभी मैंने आपको पीपीटी दिखाई है, और मुझसे डाउट पूछो. दो मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से रिवाइज करो.